नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों तमाम बड़े फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। विपक्ष लगातार उनसे मांग करते हुए नजर आ रहा है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर इस वक्त विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहा है। वहीं उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर फैसला ले, केंद्र सरकार के साथ मिलकर विचार विमर्श करें और इसी के साथ साथ वह तमाम अलग फैसले भी ले रही हैं। इस वक्त देखा जाए तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनसे मुलाकात तो की है, लेकिन कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी की है और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू अपनी बात खुलकर रखती हुई भी देखी जा रही है। झारखंड की राजनीति भी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। इंतजार है कि झारखंड से ताल्लुक रखने वाली, ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या वाकई में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कोई अहम फैसला सुनाएंगे, क्या वह अपनी बात रखेंगे, फिलहाल तो इसका भी इंतजार है। आपको बता दें कि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है और उन्होंने यहाँ पर अब अपनी बात भी खुलकर रखी है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और जब राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों को साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। राष्ट्रपति ने ये आश्वासन दिया है कि भारत अपने पड़ोसी देश की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हमेशा सहयोग और आपसी विश्वास की भावना से प्रेरित हैं। महामारी और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की मांग है। भारत और बांग्लादेश वैश्विक संकट से निपटने के लिए आर्थिक रूप से और अधिक जुड़े रहे। उन्होंने यहां पर विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे और विकास भी होगा। उनका कहना है कि जिस तरीके से दोनों देशों ने मिलकर बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ और भारत बांग्लादेश के संबंधों की स्वर्ण जयंती बनाई है, ये वास्तव में विशिष्ट है और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये दर्शाती है कि भारत और बांग्लादेश के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। राष्ट्रपति को ये जानकर प्रसन्नता हुई कि बांग्लादेश ने अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक समृद्धि में बड़ी सफलता हासिल की है और उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि भारत बांग्लादेश की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। इस तरीके से उन्होंने यहां पर खुलकर अपनी बात रखी है। राष्ट्रपति ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर चर्चा की और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है, उम्मीदें उन्होंने यहां पर जताई हैं और ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद सभी अपनी अपनी तरीके से यहां पर अपनी खुशी को भी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये तमाम बड़े ऐलान करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि 9 से 10 सितंबर के दिन वह त्रिपुरा दौरे पर भी नजर आने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि तब वह क्या कुछ कहती हुई नजर आती हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।